दोस्तों हमारे मेक इन इंडिया मिशन से एक बहुत बड़ी और पॉजिटिव न्यूज़ सामने निकल के आ रही है, जहां पर हमारे देश की एक गुजरात बेस्ड कंपनी ने ये अनाउंसमेंट की है कि वो आने वाले कुछ सालों के भीतर जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलाए जाएंगे उसमें से 25% हिस्सेदारी इनकी होगी, या फिर दूसरी भाषा में कहें तो जो भी इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलाए जाएंगे वहाँ पर 25% जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे वो इन्हीं के होंगे। और यहाँ पर उन्होंने खास बात ये कही है कि जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे वो मार्केट में चल रहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्राइस पॉइंट में सबसे ज्यादा कम होने वाले हैं। तो ये जानते हैं इस कंपनी के इस बड़े प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं गुजरात बेस्ड वर्ल्ड विजार्ड कंपनी के बारे में, जिन्होंने ये कहा है कि वो ओवरऑल इंडिया के मार्केट में 25% अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाने वाले हैं। कंपनी के अधिक डिटेल्स के लिए आप वर्ल्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी लिमिटेड को गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात करें तो कंपनी ने करीबन 1800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके इस प्लांट को सक्सेसफुली सेटअप कर लिया है, जो कि हमारी इंडियन इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कंपनी का यह प्लांट वडोदरा में स्थित है और कंपनी ये दावा कर रही है कि वो करीबन 90,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उत्पादन अपने इस नए प्लांट में करेगी, जहां पर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नई स्पीड के साथ भारत में एक ही बहुत कम प्राइस पॉइंट पे हमें देखने को मिल सकती हैं। इसी के साथ में कंपनी के अध्यक्ष एंड प्रबंध निदेशक यतिन गुप्ता जी ने कहा कि हम पिछले एक साल से इस नए प्लांट पर काम करते आ रहे हैं ताकि हम मेक इन इंडिया मिशन के तहत भारत के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चला सकें। यहां पर हम बात करें तो कंपनी ये भी कह रही है कि 2021 से लेकर के 2022 के बीच में करीबन 25,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ये स्टार्टिंग में बनाएंगे और आने वाले टाइम पे ये धीरे धीरे 1,00,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उत्पादन बड़ी आसानी से अपने इस नए प्लांट में करेंगे। जैसे जैसे इनका यह प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा ये कंपनी एक वर्ष में करीबन 3 से 4 लाख प्रति यूनिट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उत्पादन करेगी अपने इस नए प्लांट के अंदर। यहाँ पर यतिन गुप्ता जी ने एक और इम्पोर्टेंट बात शेयर की है, उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो यूरोप, अफ्रीका और भी कई देशों को एक्सपोर्ट भी किए जाएंगे, जो कि हमारे मेक इन इंडिया मिशन के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, जहां पर हमारे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए जाएंगे। इसी के साथ में 25% तक का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भारत में है वो इस कंपनी के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। इसी के साथ में गुप्ता जी ये भी कहते हैं कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्राइस होंगे वो मार्केट में चल रहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्राइसेस में थोड़े से कम होंगे, या फिर आपको थोड़े से प्राइसेस में चेंजेस देखने को मिल सकता है, ये डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन में हैं। तो दोस्तों ये था कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का एपिसोड नंबर 4, जहां पर हमने आपको बताया कि कैसे एक नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को डेवलप कर लिया गया है। बहुत जल्द इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमें मार्केट में घूमते हुए नजर आएंगे। तो आप लोगों का इस नई कंपनी के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं हम आपको किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।